राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी रश्मि रथी में लिखते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। मित्रों, पुरुषार्थ के रास्ते पर परेशानियां आना लाजमी है। जितनी परेशानियां आप झेलेंगे, आप उतने ही ज्यादा अनुभवी होंगे, और आपके पास जितना ज्यादा अनुभव होगा, आपका व्यक्तित्व उतना ही मूल्यवान होगा। फूल जब अलग अलग होते हैं तो उनकी कीमत बेशक कम होती है, मगर जैसे ही वो एक साथ एक धागे में पिरो दिए जाते हैं तो फिर श्रीहरि के गले में सुशोभित होते हैं। इसलिए बदलाव के रास्ते में अगर कोई परेशानी आए तो हंस के उसका स्वागत कीजिए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी आगे लिखते हैं कि कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। जितने बड़े परिणाम की उम्मीद में हैं आप, परीक्षा भी उतनी ही बड़ी देनी पड़ेगी। अब यहां से शुरू होती है कृष्ण की चेतावनी। कृष्ण जी जिनके हाथों में सब कुछ था, वो चाहते तो एक पल में सभी दुष्टों का संहार कर सकते थे, मगर पूरी ताकत होने के बावजूद कृष्ण ये परिभाषा गढ़ना चाहते थे कि अगर जीवन में आपको सामर्थ्यवान ईश्वर ने बनाया है, फिर भी आपके अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए, आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, और कोई भी कठोर कदम उठाने से पहले सामाजिक रूप से आप इस बात की पुष्टि कर लें, करा लें कि कोई आप पर बाद में यह इल्जाम न लगाए कि इसने शांति का प्रयास नहीं किया था या इसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की थी। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर इसी उद्देश्य से आए हैं कि किसी तरह से यह युद्ध टल जाए। लेकिन जो मूढ़मति होते हैं, जिन्हें किसी नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे होने वाले विनाश को देख नहीं पाते, क्योंकि आत्ममुग्धता, क्रोध और लोभ की वजह से उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ होता है। ऐसा ही पर्दा पड़ा था कौरवों की बुद्धि पर। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि महाभारत का युद्ध अगर होता है तो लाखों बेगुनाहों की जानें भी जाएंगी, बहुत सारा रक्तपात होगा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मगर योगेश्वर कृष्ण जो स्वयं ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो इस बात को जानते हैं कि युद्ध का परिणाम कभी भी सुखद नहीं होता, और यही कारण था कि सामर्थ्यवान होने के बावजूद कृष्ण शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर आए, और इस शांति संदेश को रामधारी सिंह दिनकर जी अपने रश्मि रथी में कृष्ण की चेतावनी नाम से लिखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। किसी ने पूछा कि सज्जनों की परिभाषा क्या होती है, कैसे इंसान को सज्जन कहा जाए, तो एक महात्मा ने जवाब दिया कि सज्जन वो होते हैं जो हर विनाश से पहले उस विनाश के न होने का प्रयास करते हैं। वही काम
श्री कृष्ण ने किया। रामधारी सिंह दिनकर जी आगे कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कहीं बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आमतौर पर जब कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो जिस इंसान का नुकसान हुआ रहता है, अगर जाकर आप उससे पूछें कि क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी, तुमने ऐसा किया क्यों, तो अक्सर लोग यही जवाब देते हैं कि यार मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं कैसे क्या हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो जब कभी भी ये ना समझने की स्थिति हो तो उस वक्त कोई भी फैसला सोच समझ कर लें, अति सावधान होकर लें, क्योंकि विवेक शून्यता की स्थिति में इंसान अक्सर गलती कर बैठता है। साथियों, दुर्योधन भी इसी विवेक शून्यता में दुर्बुद्धि का शिकार होता है और उसे यह गलत फहमी हो जाती है कि मैं श्री कृष्ण को बांध सकता हूं और उनसे अपना मनमाना कार्य करवा सकता हूं। मगर देखिए, ईश्वर भी कभी कोई दोष अपने ऊपर नहीं लेते। कृष्ण जानते थे कि यह शांति प्रस्ताव दुर्योधन कतई स्वीकार नहीं करेगा, मगर बावजूद इसके उन्होंने शांति का प्रयास किया। लेकिन दुर्योधन ने जब उनको बांधने का दुस्साहस किया तो फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हां हां दुर्योधन बांध इन्हें। किसी भी इंसान को इतना ज्यादा परेशान नहीं कर देना चाहिए कि वो मजबूर होकर कुछ ऐसा करे जो आपके हित में ना हो। और इस सृष्टि में किसी को भी कमजोर समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर सही जगह पर पहुंच जाए तो एक छोटी सी चींटी एक बहुत बड़े हाथी को बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर,
हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। अपने बारे में कहकर कृष्ण जी अब दुर्योधन को उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परताई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।